मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। इनका नाम अग्नेस गोंजा बोयाजिजो एग्नेस गोंक्स बोजैक्सियो था। इनके पिता एक व्यवसायी थी जो काफी धार्मिक भी थे। वे हमेशा अपने घर के पास वाले चर्च जाया करते थे और यीशु के अनुयायी थे। 1919 इनकी मौत हो गई, जिसके बाद मदर टेरेसा को उनकी माता ने बड़ा किया था। पिता के जाने के बाद मदर टेरेसा के परिवार को आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ा, लेकिन उनकी माता ने उनको बचपन से ही मिल बांट कर खाने की शिक्षा दी। उनकी माता कहती थी, जो कुछ भी मिले उसे सबके साथ बांट कर खाओ। कोमल मन की मदर टेरेसा अपनी माँ से पूछती, वे कौन लोग हैं, किन के साथ हम मिल बांट कर खाएं? तब उनकी माता कहती, कभी हमारे रिश्तेदार तो कभी वे सभी लोग जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। माता की ये बात अग्नेस के कोमल मन में घर कही गई और उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा। इसी के चलते वे आगे चलकर मदर टेरेसा बन गई।